नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारी खास रिपोर्ट में। गुजरात के मोरबी में 100 साल से भी ज्यादा पुराने केबल पुल के टूट जाने से पूरा देश सहम गया है। इस हादसे में लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पुल पर जरूरत से ज्यादा लोग जमा हो जाने से ये हादसा हुआ है। इस दौरान बताया गया है कि भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे उस पुल पर मौजूद थे। गुजरात सरकार ने हादसे को लेकर जांच का आदेश दिया है और इस हादसे में 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। वहीं देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोरबी में हिला देने वाला हादसा, हर तरफ चीख पुकार, उजड़े घर परिवार, ब्रिज टूटने से 100 से अधिक लोगों की मौत। 1880 में हुआ था मोरबी केबल ब्रिज का निर्माण। किसकी लापरवाही से हुआ मोरबी ब्रिज हादसा? एसआईटी सामने लाएगी हादसे का सच। 14 नवंबर को होगी हादसे की सुनवाई। मोरबी का मुजरिम कौन? गुजरात के मोरबी में 100 साल से भी ज्यादा पुराने केबल पुल टूट जाने से पूरा देश सहम गया है। इस हादसे में 134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पुल पर 250 से ज्यादा लोग जमा हो जाने से ये हादसा हुआ। इस हादसे के दौरान भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे पुल पर मौजूद थे। मोरबी की शान कहलाए जाने वाला ये केबल ब्रिज 143 साल पुराना था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये ऐतिहासिक पुल होने के कारण गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल था। आजादी से पहले ब्रिटिश शासन काल में मोरबी ब्रिज का निर्माण कराया गया था। मच्छू नदी पर बना ये ब्रिज मोरबी का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। तो उधर इस भयानक हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, पक्ष विपक्ष के नेता समेत विदेशों के नेताओं ने भी अपना शोक व्यक्त किया है और सरकार ने इस हादसे के पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक पुल की मरम्मत कई दफा कराई जा चुकी है। हाल ही में इस पुल की मरम्मत में 2 करोड़ का खर्चा आया था। एक प्राइवेट फर्म ने इस पुल की मरम्मत करवाई थी। 6 महीने की मरम्मत के बाद दीपावली के बाद इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, जबकि नगर पालिका से इसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिला था, फिर भी इस पुल को खोल दिया गया था। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि पुल की क्षमता 100 लोगों का भार उठाने की थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा लोगों को टिकट बेच दिए गए और पुल की क्षमता से अधिक लोगों के पुल पर चढ़ने और लोगों के झूला झूलने, तारों को पकड़कर लटकने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ। तो उधर गुजरात सरकार ने हादसे को लेकर जांच का आदेश दिया है। साथ ही पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी के खिलाफ गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात पुलिस की मरीन टास्क फोर्स, 3 सेनाओं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। नदी से शवों को खोजने का काम जारी है। साथ ही 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट मोरबी हादसे की सुनवाई करेगा। मच्छू नदी पर बने इस केबल पुल का निर्माण साल 1880 में किया गया था। पुल का निर्माण मोरबी के राजा प्रजावत्सल वागजी ठाकुर की रियासत के दौरान किया गया था। मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेंपल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसको बनाने में लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्च आया था। पुल को बनाने का सामान भी विदेश से लाया गया था। ये पुल लगभग 230 मीटर लंबा और 4.6 फीट चौड़ा है। ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा बनाए गए इस पुल को उन्नत इंजीनियर का जीता जागता नमूना माना जाता है, जो ये बताता है कि 150 साल से भी पहले मोरबी के राजा की सोच कितनी प्रगतिशील और साइंटिफिक हुआ करती थी। मोरबी की एक अलग पहचान बनाने के लिए इस यूनिक ब्रिज का निर्माण कराया गया था। बताया जाता है कि मोरबी ब्रिज के जरिए ही राजा महल से राज दरबार तक जाते थे।
अब सवाल ये उठता है कि अगर इस पुल की क्षमता 100 लोगों का भार सहने की थी तो इसमें जरूरत से ज्यादा लोगों को टिकट क्यों दिया गया, और अगर इस पुल को फिटनेस का प्रमाण नहीं मिला था तो इसे पर्यटकों के लिए खोला क्यों गया, और अगर इसे खोला गया था तो यहाँ प्रशासन को निगरानी टीम तैनात करना चाहिए था। फिलहाल इस हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस हादसे की सुनवाई के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।